नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट 10 पावर्ड बाय AKI हॉस्पिटल लुधियाना। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी पर सदर घाट पुल का हिस्सा बुधवार को ढह गया। इसका उद्घाटन एक महीने पहले ही बिहार के CM नीतीश कुमार ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने कहा कि भारतीय फार्मा उद्योग पूरी दुनिया के लिए COVID-19 वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। बीती शाम पावरकॉम CHP मुलाजमों ने परिवार सहित मोहाली लेबर कमिश्नर कार्यकाल के सामने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर चढ़ गए। काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी टावर से तकरीबन रात 8:30 बजे नीचे उतारे गए। DC बरनाला तेज प्रताप सिंह फुलका ने फेसबुक लाइव के माध्यम से बरनाला जिले में निवासियों के साथ बातचीत की और कोरोना महामारी से निपटने में पंजाब सरकार की पहल से लोगों को अवगत करवाया। ट्विटर के माध्यम से हुआ एक बड़ा साइबर अटैक। बिल गेट्स, ओबामा, वॉरेन बुफे, किम कार्दाशियन, एलन मस्क, जो बिडेन समेत कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट हैक। 174 भारतीय नागरिकों ने H-1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मंगलवार को अमरीकी जिला न्यायालय में दायर किया गया ये मुकदमा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच की मांग की है। इष्करण सिंह भंडारी, जो इस मामले को देखने के लिए नियुक्त वकील हैं, उन्होंने पत्र की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने बुधवार को डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ केयर पेशेवरों की सराहना की, जो बिना किसी अहंकार के लोगों की देखभाल कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 13वां संस्करण कथित तौर पर UAE में खेला जाएगा। IPL 2020 29 मार्च और 17 मई के बीच होने वाला था, लेकिन BCCI को कोरोना वायरस महामारी के कारण लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बुधवार को अपने बड़े भाई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के संयुक्त सचिव स्नेहाशीष गांगुली के COVID-19 पॉजिटिव आने के बाद खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है।